नमस्कार, देख रहे हैं आप एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। कोरोना वायरस का असर इतना ज्यादा होगा किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। इस समय दुनिया सबसे डरावने क्षणों में से एक का सामना कर रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले अपने करीबियों और परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार करने तक से इनकार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने की आशंका ने देश को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में भोपाल में एक युवक ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। बेटे के मना करने के बाद वहां के तहसीलदार गुलाब सिंह ने शख्स का दाह संस्कार किया। कोरोना वायरस से प्रेम सिंह का 20 अप्रैल को निधन हो गया था। उस समय उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और उनके बहनोई ने कहा था कि वे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुबह दाह संस्कार करेंगे, लेकिन सुबह वो अपनी बात से पीछे हट गए। तहसीलदार गुलाब सिंह ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पहनकर बेटे को अंतिम संस्कार करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि उसने संक्रमण के डर की वजह से ऐसा करने से मना कर दिया और उसकी मां ने भी उसके फैसले का समर्थन किया। इसलिए तहसीलदार ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रेम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। गुलाब सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान परिवार कुछ ही दूरी पर मौजूद था। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह के डर के पीछे का कारण जागरूकता की कमी है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं। बता दें कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले शख्स को परिवार के सदस्य सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसको ना स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उसको गले लगा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 19,979 हो गई है। इसमें से 3,869 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 640 लोगों की जान जा चुकी है। SPN9 न्यूज के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।